स्वागत है सभी का टीचर्स अदा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो 6 to 8 लैंग्वेज का एग्जाम हुआ है, तो उसमें इंग्लिश को लेकर के कैसे आंसर की को चैलेंज, कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है, कौन से गलत हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट है जहां पे मोर देन वन ऑफ द अबव सही जवाब आ रहा था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखा देती हूँ। ये हमारा पेपर है और ये उसकी आंसर की साइड बाय साइड है, ठीक है। ये पेपर है, ये आंसर की है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसको मैंने सॉल्व किया है। 75th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही थी। स्टूडेंट्स को लगा मैम आयरलैंड में आर्टिकल भी है, एन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। आंसर की में डी सही जवाब दिया हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। मेरे हिसाब से जब आप देखो, मैंने एक रूल बताया हुआ है इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एक डेफिनेशन हो किसी भी नाउन के बारे में, आपको पहले से पता हो। यहाँ पे ना तो आइलैंड का नाम पता है, द अंडमान एंड निकोबार, कौन सा आइलैंड है, मालदीव्स है, कौन सा आइलैंड है, नहीं दिया हुआ। नंबर वन, ठीक है कि हम उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाएं। दूसरा, या तो मैं बोलती अ ईयर अगो आई विजिटेड द आइलैंड विच वॉज अनइनहैबिटेड, जहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते, मैं उस आइलैंड में गया था, तो मैंने उस वाले को डिनोट किया। उसके बारे में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की हुई है, तब तो मेरा मोर देन वन ऑफ द अबव होता है सही जवाब की द लेती। वरना एक रैंडम आइलैंड कॉमन नाउन की बात करो तब यहाँ पे एन ही आना चाहिए। तो ये एक मुझे चैलेंजिंग चीज लग रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आ रहा है 82nd का। 82nd पे चलते हैं। मच ऑफ योर लेबर, अगर हम बात करें लेबर हार्डवर्क है, मच अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर ये जो है वाइड ऑफ द मार्क। अगर मैं 82nd का आंसर की देखूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्रूफ के साथ ही दिखा रही हूं, सेट सी है ये हमारा, तो 82nd ये रहा, ठीक है। 82nd का सी आंसर आया हुआ है यहाँ पर, सी यानी कि यहाँ पर इज लगाया हुआ है। मच ऑफ योर लेबर इज वाइड ऑफ द मार्क, मतलब कि इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट है। तुम्हारा जितना भी हार्ड वर्क है वो सही नहीं जा रहा है, ऐसे ही है, मजदूरी करे जा रहे हो। तो वो तो था में भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सिंगुलर जब आप अनकाउंटेबल के साथ लगा रहे हो तो वॉज या इस दोनों में ही आ सकता है। इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे हिसाब से। खाली आर नहीं होना, आर तो होना ही नहीं था, पर इज और वॉज में से दोनों ही ठीक है कि तुम्हारा ज्यादातर हार्डवर्क जो था इनकरेक्ट था या है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं 84th क्वेश्चन की। नीदर ऑफ दीज बॉटल्स, बॉटल नंबर ए, बॉटल नंबर टू, ठीक है। अब वो किससे भरी हुई है, लिक्विड ही होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लग रहा था कि यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, पर बॉटल यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। बॉटल नंबर ए, बॉटल नंबर टू, तो यहाँ पर इज फुल होगा सही जवाब। यहाँ पे 84th में इन्होंने आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर 84th का सी, ठीक है। और अगर सी दिया है इनमें से कोई भी बॉटल, सी दिया अगर आर, तो वर भी देना चाहिए था फिर तो, कि फुल थी या फिर फुल है, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 93rd पे, 93rd का ये जो सवाल है ना, डैश बी ईटन बाय द रैट्स, जैसे शुड का यूसेज ना बहुत जगह पर करते हैं, जब आपको एडवाइस रेकमेंडेशन देना हो या आपके हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है जो होना चाहिए, ठीक है, तो तब भी आप यूज करते हो। सो द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर शुड बी ईटन बाय रैट्स होगा आंसर की, ठीक है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी विल बी ईटन नहीं होगा कि निश्चित रूप से खाया जाएगा, खाया जाना चाहिए, आपका ऐसा प्रिडिक्शन है और ऐसा होना चाहिए होपफुली। जैसे कि अगर मैं कुछ सामान लेने जाऊं, कोई बोले हमें ये चाहिए, मैं बोलूंगी नो नो आई थिंक दिस शुड बी फाइन, इतना फाइन होना चाहिए। फ्यूचर के लिए शुड बी, हम ये चीज लगा रहे हैं तो शुड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 96th का। 96th में एक बात सुनिए, टू टॉय, मतलब किसी को ये बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे टू टॉय विद द आइडिया, आइडिया को गलत बताना ऐसे करके, तो टू टॉय एक इन्फिनिटिव है, ठीक है। दिस वुड हैव बीन अ नाउन, फंक्शनिंग एज अ नाउन हो सकता था, लेकिन टॉय अपने आप में, वर्ड टॉय के बारे में बताना था, टॉय करना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की तरह एक्ट करे ना कि नाउन की तरह, इस चीज का ख्याल रखिए। आंसर की ठीक थी इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 96th हो गया है। 97th का ई, यहाँ पे मैं बता देती हूँ वर्ब फॉर्म प्रोफेसी। यहाँ पे प्रोफेसी का जो वर्ब फॉर्म होता है ना वो एस लगा लेता है, तो प्रोफे एस वाई, तो इसमें प्रोफेसीज हो, ठीक है, प्रोफेसाइंग हो, प्रोफेसिंग हो, प्रोफेसाइज्ड हो या प्रोफेसीड हो, पर एस लगना चाहिए था। अब यहाँ पर इन्होंने प्रोफेसाइज बोला है, गलत है, सी लगा हुआ ये भी गलत है, प्रोफेस कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे जो प्रोफेसी फोरटेलिंग की बात हो रही है यहाँ पे नन ऑफ द अबव आना चाहिए ई, ठीक है। इन्होंने मोर देन वन ऑफ द अबव दिया जो कि गलत है। 107 पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 107,
ठीक है, यहाँ पे पंक्चुएशन लगाना था, देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क था, ये पूर्ण विराम नहीं था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, इसलिए ए सही जवाब है। 137 पे चलते हैं आप सीधा, 137, ठीक है, बीच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे, यहाँ पे 137 आ गया। यहां से मैं थोड़े से ज्यादा लूंगी सवाल। 137 में बेड ऑफ रोजेस का मतलब वेरी इजी और कंफर्टेबल होता है, जैसे कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट इजी। यहाँ पे अगर आपने कुछ और भी समझ लिया था तो वो गलत था, तो इसको चेक कर लीजिएगा। 48 में देखते हैं, 148 में डिफाइंट, इसमें जो है ना 138 में डी सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो रूल फॉलो नहीं करता वो डिफाइंट है, तो ओबीडियंट और डोसाइल भी जो इजीली कंट्रोलेबल है, जो फॉलो कर ले वो होना चाहिए। 138 का एक बार आंसर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 138 का बी बोला गया है, इन्होंने बोला है कि सिर्फ ओबीडियंट होगा लेकिन डोसाइल भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, इजीली पालन कर लेता है। वहां डेफिनेशन में जब आप एंटोनिम सर्च भी करोगे ना तो भी डोसाइल इसका एंटोनिम आता है डिफाइंट का। मेरे हिसाब से मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, जैसे बाकी सारे कंडीशंस हैं। 139 का आंसर प्राउड। अब देखो, अगर आपको बहुत गर्व वाली बात लग रही है तो शर्मनाक बात इसका बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। हम्बल भी इसका एंटोनिम है और मीक भी इसका एंटोनिम है, जो बहुत ही मतलब घमंड बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों ही एंटोनिम है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव यहां पे आएगा आंसर। 143rd में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन देखेंगे एक बार। हमें बताना था, नो सूनर डिड द एरिंग स्टूडेंट, एरिंग मतलब गलती करने वाला जो स्टूडेंट है, सी इज स्कूल प्रिंसिपल, उसने जो ही अपने स्कूल प्रिंसिपल को देखा ही था, देन ही, ठीक है, तभी त्यों ही क्या हो गया, टुक टू हिज हील्स, यानी कि ही बिगेन टू रन अवे, वो भागना शुरू हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होना है, आंसर की बिल्कुल ठीक है इसकी। कुछ स्टूडेंट ने बोला स्टूड द ग्राउंड, मतलब आप किसी चीज के को डिसअप्रूव कर रहे हो, मतलब प्रिंसिपल को देखते वो एकदम खड़ा नहीं हो जाएगा और कहेगा ये मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करेगा बच्चा। शुक हिज हेड का मतलब यही होता है कि आप अगेंस्ट किसी चीज के जा रहे हो, तो ये दोनों ही गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 144 में द फर्नीचर अनकाउंटेबल, मतलब सिंगुलर ही लेता है वर्ब, सिंगुलर में ये दोनों ही सैटिस्फाई करे, हैड बिन रिप्लेस्ड या हैज बिन रिप्लेस्ड दोनों ही होना चाहिए, इसलिए डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। 145th को भी एक बार देख लेते हैं, वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं करता वो फ्लॉलेस भी होता है, जिसमें कोई गलती ना हो, कमियां ना हो, फ्लॉलेस परफेक्शनिस्ट हो और इनफॉलेबल भी होता है, इट्स नॉट इनफॉलेबल, इट्स इनफॉलेबल, ठीक है। फॉल मतलब गिरना वाला होता है, इनफॉलेबल जो गिरता नहीं, जो गलती नहीं करता, दोनों ही ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव अगेन। 146th को देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स, देखो अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज बिब्लियोग्राफी, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट और आर्टिकल्स भी लिखा हुआ था, आर्टिकल जिनको आपको खरीदना है, जैसे कपड़े खरीदने जाओ तो वो भी आर्टिकल्स होते हैं, स्टोर पे बोलते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स मैम, इसका मतलब अगर किसी चीज की लिस्ट है जिसको आपको खरीदना है, उसको हम कैटलॉग कहते हैं, उसकी अगर लिस्ट बनी हुई है, बुकलेट खोलोगे तो उसमें भी कैटलॉग बना होता है कि प्राइसिंग के साथ जो जो आपको खरीदना है, ठीक है। डेमागॉग का मतलब ये होता है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो दूसरे को जैसे चापलूसी करके बहुत ख्वाब दिखाता है, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे ऐसे ऐसे करके, वो डेमागॉग होता है। मोनोलॉग एक स्पीच खुद से देनी, एक ही इंसान जब बोल रहा होता है वो मोनोलॉग होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 147 में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को इसको सही पहचानने में, वैसे तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए एज पर द आंसर की, कुछ लोगों ने ये सही किया है, ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग, नहीं जब क्वेश्चन पूछा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब में खाली ये है, सो आर ऑल हिज फ्रेंड्स विद हिम ट्रैवलिंग नहीं होगा, आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग विद हिम, ये जो विथ हिम है ऑब्जेक्ट, ये जो था ना विथ हिम, ये लास्ट में लगना था, वर्ब पे आप खत्म नहीं करोगे, सो आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग विथ हिम, इस पे खत्म करना था, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ई ऑप्शन सही होगा। 149th पे चलते हैं अब हम, 149th कह रहा है फ्रेट, डोंट फ्रेट अबाउट लिटिल थिंग्स और ट्रिवियल थिंग्स, परेशान मत हो उस चीज को लेके, फ्रेट मतलब वरी होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 149th हो गया, अब आ जाते हैं 113, 116 और 123 पे, तो 113वां जो हमारा सवाल है डायरेक्ट, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो मेरे हिसाब से ये जो बात हो रही थी ना, यहाँ पे डेंजर डेंजर दो तीन जगह लिखा हुआ है, जैसे डेंजरस, मेरे हिसाब से डेंजरस चॉइस होना चाहिए, आपके आंसर की में रिस्ट्रिक्टेड इन एवरी सोसाइटी लिखा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है 116 में, यहाँ नेचर
नेशनल एक्सप्लोरेटरी अर्ज जो छोटे बच्चों की बोला है, इट इज एसेंशियली टू रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ ट्रैफिक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया था. आपकी आंसर की नहीं दिया हुआ ग्रासमैन मास्टर द एनवायरमेंट, मतलब ये जो नेचर के बारे में जो भी बोला गया यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए बोला गया था इन डेंजरस इफेक्ट्स को, तो मेरे हिसाब से अगेन बी ही होना चाहिए डायरेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही भी लिखा है जिनको क्रॉस चेक करना था. 123 पे चलते हैं, पैसेज नंबर 4th पे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन इज, पहली लाइन क्यों है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन कभी नहीं खाता है एनिमल प्रोडक्ट्स, रेयरली नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा आंसर की में ये लिखा हुआ है, उसे चेक कर लीजिएगा. वेल दैट्स प्रीटी मच इट मेरी तरफ से जो मुझे आंसर की में प्रॉब्लम्स लगी, या फिर जो आपको क्लियर नहीं हुआ, या जो मोर देन वन ऑफ द अबव वाले चांसेस थे उनका आपको जस्टिफिकेशन चाहिए था वो मैंने दे दिया. कैसे करें चैलेंज, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चैलेंज कीजिए. और मैंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे ये सारे क्वेश्चंस चैलेंज करें तो ज्यादा से ज्यादा हम बोलबाला फैलाएंगे. इसके अलावा कोई भी और डाउट हो स्टूडेंट्स को, तो देखो पेपर तो था ही ईजी, ठीक है, कट ऑफ भी हमने डिस्कस कर दिया एक सेशन में, उसे जाकर देख लेना, मैं अटैच करवा दूंगी, वरना आप मुझे यहां पर रीच आउट जरूर कीजिएगा. बिहार एस्टेट की तैयारी करनी है मार्च में, तो भाई आप लोगों को अभी से ही लगना पड़ेगा और पेपर का लेवल देखना पड़ेगा. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के लिए. थैंक यू.